अभी तो रोज झगड़ा होता है कपड़ों के लिए, उसके कपड़े पहने की इतनी चिढ़ती है मम्मी मेरा ड्रेस, लेकिन अच्छा लगता है वो चिढ़ रही है कि उसके कपड़े मैं पहन रही हूँ। नाश्ता तो अभी तो ऐसे है कि नाश्ता करना ही करना है। आशा जी ने हमको सिखाया कि कैसे खाना चाहिए और क्या खाना चाहिए। इतना सारा हम खाने सीखे हैं कि मुझे तो कभी कभी लगता है कि हम खा के ही इतना वजन कम हो रहा है। मेरा नाम भाग्यश्री गोपाल है, मैं कांदीवली ठाकुर कॉम्प्लेक्स में रहती हूँ। मेरा वजन बहुत ज़्यादा था एक्चुअली, लेकिन मैंने कभी ध्यान नहीं दिया कि वेट लॉस भी करना चाहिए, बस ज़िंदगी चल रही थी। हम लोग हर दिन बस में जाते ट्रैवल करते थे, तो बस तो हिलती है, तो मेरा पेट भी ऐसे ऐसे हिलता था, तो मुझे इतना चिढ़ाती थी, अरे ऐसे मोटी हिल रही है, देखो पेट कैसे हिल रहा है। तो सुन के ना बस के बाकी सब लोग भी बहुत हंसते थे और मुझे बहुत बुरा लगता था कि अरे यार सच में कि कैसे बोल रही है एक फ्रेंड को। तो मुझे अच्छा नहीं लगा कि नहीं अभी मुझे खुद पे ध्यान देना है। तो उसी दौरान मेरी एक फ्रेंड मुझे मिली, उसका भी वजन बहुत ज़्यादा था और उसको मैंने अचानक से देखा कि वो एकदम पतली लग रही है। तो मैंने उससे पूछा कि अरे यार तू कैसे ऐसे हो गई है, कितनी मस्त सुंदर लग रही है। तो उसने मुझे बताया कि मैं अग्निशक्ति ज्वाइन की हूँ, वहाँ पे उनका 90 डेज वेट लॉस चैलेंज होता है। तभी मेरे मन में और आशा ये हुई कि उम्मीद बोलते ना वो कि हाँ मुझे भी वेट लॉस अभी करना है। तो मैंने उसे सब इन्फॉर्मेशन ली। अग्निशक्ति ज्वाइन करने के पहले वैसे तो मेरा वेट बहुत ज़्यादा ही था, तो ऐसे कंटाला बहुत आता था, बस सोने का मन करता था और मुझे इतनी एसिडिटी थी कि हाइपर एसिडिटी होता है ना, वैसे जैसे मुझे अल्सर ही था, इतनी एसिडिटी कि मैं पानी भी पी लूँ तो मुझे वॉमिटिंग हो जाती थी, कुछ भी खा लूँ तो मुझे वॉमिटिंग हो जाती थी, सर दर्द होता था और पेट में दुखता था। मेडिसिन खा खा के मैं थक गई थी और मेरा घुटनों में इतना दर्द था कि मैं चल भी नहीं पाती थी। और जैसे हम केदारनाथ गई थी, मैंने अभी बताया कि केदारनाथ में मैं चल ही नहीं पाती थी कि बस चलना है, बस ऐसे एक टाइम हो गया था कि मैं नहीं जा रही हूँ, तुम लोग जाके आओ, मैं इधर ही बैठती हूँ। मैंने अग्निशक्ति ज्वाइन किया तभी तो मुझे स्टार्टिंग में बहुत थकान होती थी कि मेरे से नहीं होगा, मैं नहीं कर पाऊँगी, लेकिन धीरे धीरे जैसे मैं एक्सरसाइज करती गई मुझे अच्छा लगा। और अग्निशक्ति की टीम ने मुझे इतना सपोर्ट किया, कोई भी सवाल मैं पूछूँ तो उसका जवाब वो लोग देते थे। और जैसे जैसे मैंने देखा कि मेरा वेट कम होते जा रहा है तो और मज़ा आने लगा कि हाँ मुझे करना है। और इसी दौरान जो डाइट सेशन हुआ, तभी तो पहले तो मुझे शॉकिंग था कि इतना खा के वेट लॉस होता है, लेकिन हाँ होता है। मैंने कभी ज़िंदगी में खुद पे ध्यान नहीं दिया, बस चल रहा है घर बच्चों के लिए, उनके लिए करना है ना। ब्रेकफास्ट तो कभी नहीं किया, बस चाय पी लिया, दोपहर तक काम कर लिया और फ्रूट तो ऐसे लगता था कि ठीक है उपवास है तो खाना है या बच्चों के लिए खाना है, कभी नहीं खाते। और फ्रूट मुझे पसंद भी नहीं था, लेकिन अभी मैं फ्रूट खाना सीखी हूँ। और नाश्ता तो अभी तो ऐसे है कि नाश्ता करना ही करना है। आशा जी ने हमको सिखाया कि कैसे खाना चाहिए और क्या खाना चाहिए। इतना सारा हम खाने सीखे हैं कि मुझे तो कभी कभी लगता है कि हम खा के ही इतना वजन कम हो रहा है। मैंने पहले भी ग्रीन टी पी, लेकिन कभी भी पसंद नहीं आई, वो इतनी कड़वी थी कि और उसका स्मेल भी इतना गंदा आता था कि कभी ग्रीन टी लिया नहीं। लेकिन अभी जो हम लोग आशा जी ने हमको दिए है बाम्बू फॉरेस्ट ग्रीन टी, उसका टेस्ट इतना अच्छा है, बिल्कुल कड़वी नहीं, और उससे हमको वेट लॉस होने में भी बहुत मदद हुई। मैं पहले अपनी बिल्कुल केयर नहीं करती थी, एक्सरसाइज तो छोड़ो बाजू में, लेकिन घर में भी कुछ नहीं, वो वॉक भी नहीं कर पाती थी कि होता है चलता है। लेकिन अब भी बहुत चेंजेस आए कि हम एक्सरसाइज करने सीखे हैं, खुद के ऊपर ध्यान देने सीखे कि खुद के लिए बनाना है, खुद के लिए खाना है और खुद के मेन तो है कि खुद के लिए जीना है। ये हम यहाँ पर आके सीखे हैं कि कैसे हमको अच्छे से रहना है, कैसे कपड़े पहनने हैं, कैसे खुद को टिप टॉप रखना है, ये हम यहाँ पर सीखे हैं। और दूसरी मेन तो कि अभी हमको सब अच्छा लगने लगा है कि अच्छे कपड़े पहनने हैं, अच्छा रहना है, क्योंकि अभी हम लोग को लगता है कि लोग हमको देख रहे हैं, पहले ऐसे लगता था कौन देखेगा हमको, ऐसे लग रहा है कि ज़िंदगी में बहुत सब अच्छा अच्छा हो रहा है और ये तो सच है सच। जैसे लोग एक ज़माने में बोलते थे अरे मोटी है कैसे रहती कैसी करती, वही लोगों के दिमाग चेंज हो गया, अरे कितनी सुंदर है अभी, कितनी अच्छी लग रही है। दिमाग में था कि
अरे ये कपड़े हम कभी नहीं पहन सकते, अरे ये हम ऐसे कभी नहीं रह सकते, लेकिन ये चेंजेस हुए कि नहीं ये कपड़े भी हम पहन सकते। जैसे मैं कभी भी शॉर्ट नहीं पहनती थी, लेकिन अभी लगता है हाँ अभी मुझे अच्छा लग रहा है, मैं पहन सकती हूँ। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि मैं अपनी बेटी के कपड़े पहन रही हूँ। अभी तो रोज़ झगड़ा होता है कपड़ों के लिए, उसके कपड़े पहने की इतनी चिढ़ती है मम्मी मेरा ड्रेस, लेकिन अच्छा लगता है वो चिढ़ रही है कि उसके कपड़े मैं पहन रही हूँ। अभी मैं आगे ऐसे एक्चुअल में सबसे मेन तो मैं बहुत खुश रहूँगी, और इसको मेंटेन तो रखना ही है। मेंटेन रखने के लिए एक्सरसाइज करूँगी, योगा करूँगी, और डाइट तो हमारे पास है ही, और कुछ नहीं बचा तो आशा जी तो है ही, और वो तो हमें हर टाइम हेल्प करते हैं तो हमें पता है, और आगे भी करेंगे। तो ऐसे ही रहना पसंद करूँगी। जो जो गुस्सा, जो चिड़चिड़ापन और जो अकेलापन बिल्कुल चला गया। अभी खुश, और इतनी खुश कि बस अभी एक्सरसाइज तो करनी है, क्योंकि अभी वो नशा हो गया है कि नहीं अभी योगा करना ही है, अभी खुद के लिए जीना ही है।